गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम मैथ्स में चैप्टर नंबर 11 की एक्सरसाइज 11.8 सॉल्व करने वाले हैं। ओके, इस एक्सरसाइज में है बच्चों वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन है? वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन। तो आपको इसको करते टाइम ये तो ध्यान में रखना ही है कि आपको इसे लैंग्वेज के साथ ही करना है। ओके, तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी है सबसे पहली चीज़। सेकेंड, आज मैं आपको 1-2 क्वेश्चन ही लिखकर समझाऊंगी, बाकी सारे क्वेश्चन मैं आपको ओरल ही समझाऊंगी। तो इसका मतलब है कि आपको मेरी वीडियो पूरी अच्छे से देखनी है और इसको समझना है। ठीक, मैं कैसे पढ़ रही हूँ, क्या बता रही हूँ, सब आपको ढंग से समझना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। अ ज्वेलर मेड 4 गोल्ड ऑर्नामेंट्स। एक ज्वेलर है, एक सुनार है। ज्वेलर को हम क्या बोलते हैं? सुनार। जिसने 4 गोल्ड के ऑर्नामेंट्स यानी गहने बनाए हैं। एक ज्वेलर ने 4 गोल्ड के गहने बनाए हैं जिनका वेट है 14 ग्राम 200 मिलीग्राम। आपका जो फर्स्ट गोल्ड का ऑर्नामेंट्स है उसका वेट है 14 ग्राम 200 मिलीग्राम। सेकंड का है 17 ग्राम 700 मिलीग्राम, यहाँ पर मिलीग्राम आएगा। ठीक, एंड थर्ड का है 8 ग्राम 500 मिलीग्राम। एंड लास्ट जो आपका गोल्ड का ऑर्नामेंट्स है उसका वेट है 4 ग्राम 400 मिलीग्राम। ठीक, एक ज्वेलर ने 4 गहने बनाए हैं, उनके अलग अलग वेट बता दिए गए हैं। और क्या करना है आपको? देखिए, व्हाट इज़ द टोटल वेट ऑफ द 4 ऑर्नामेंट्स। आपको बताना है कि इन चारों जो आपके 4 ऑर्नामेंट्स हैं उनका टोटल क्या होगा, उनके वेट का टोटल क्या होगा। ठीक, तो बच्चों, तो अब आप लोग इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? लिखोगे पहले अ ज्वेलर मेड 4 गोल्ड ऑर्नामेंट्स। ठीक, तो फर्स्ट गोल्ड ऑर्नामेंट्स वेट 14 ग्राम 200 मिलीग्राम। ठीक है, पहले 1 गोल्ड ऑर्नामेंट का वेट इतना है, फिर लिखोगे सेकंड गोल्ड ऑर्नामेंट वेट इतना, थर्ड गोल्ड ऑर्नामेंट वेट इतना, एंड 4 गोल्ड ऑर्नामेंट वेट इतना। सो द टोटल वेट ऑफ द 4 ऑर्नामेंट्स कितना होगा? आप इन चारों को करेंगे ऐड। ठीक, फिर आ जाएगा आपका आंसर। ओके, अब मैंने आपको ऐड करना सिखा दिया है ना? तो आप लोग को ये खुद ऐड करना है। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आप कर लेंगे। ठीक है, सेकंड देखिए क्या है। अ शॉपकीपर सोल्ड 50 मीटर 25 सेंटीमीटर ऑफ क्लोथ टू 1 कस्टमर। एक शॉपकीपर है, एक दुकानदार है, जो एक कस्टमर यानी एक ग्राहक को कपड़ा बेचता है कितना? 50 मीटर 25 सेंटीमीटर। ठीक, 75 मीटर एंड 70 सेंटीमीटर टू अनदर कस्टमर। दूसरे कस्टमर को, दूसरे ग्राहक को बेचता है वो 75 मीटर एंड 70 सेंटीमीटर, एंड 65 मीटर 25 सेंटीमीटर टू अ थर्ड कस्टमर। और वो तीसरे ग्राहक को वो बेचता है 65 मीटर 25 सेंटीमीटर कपड़ा। सो हाउ मच क्लॉथ डिड ही सेल इन ऑल। तो वो पूछ रहे हैं कि एक शॉपकीपर ने कितना कपड़ा बेचा, कितना क्लॉथ सेल किया। तो आप लोग इसे कैसे करोगे? आप लोग लैंग्वेज लिखोगे पहले, अ शॉपकीपर सोल्ड इतना क्लॉथ, 1 कस्टमर इतना क्लॉथ, सेकंड कस्टमर, थर्ड कस्टमर। ठीक, सो द टोटल क्लॉथ सेलिंग, इन तीनों को कर दीजिएगा ऐड, तो आपका आ जाएगा आंसर। ठीक, समझ आ गया आपको अच्छे से? कर लेंगे आप लोग ये सेकेंड क्वेश्चन, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं और थर्ड क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए क्या है। इफ़ द टैंक ऑफ अ कार, एक कार है,
जिसका टैंक कैन होल्ड 75 लीटर ऑफ पेट्रोल। देखिए एक कार का टैंक में 75 लीटर पेट्रोल होता है, ठीक है। द ओनर ऑफ द कार फिल्स इट विद 37 लीटर 250 मिलीलीटर। उस कार का ओनर यानी कार का मालिक कार में फिल करवाते हैं 37 लीटर 250 मिलीलीटर, तो हाउ मच मोर पेट्रोल कैन द टैंक होल्ड। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि एक कार के टैंक में इतना पेट्रोल हम रख सकते हैं, इतना पेट्रोल हम उसमें फिल कर सकते हैं 75 लीटर, और जो कार के ओनर हैं उन्होंने इतना पेट्रोल फिल करवा दिया है तो हम कितना और करवा सकते हैं, हम उसमें अभी कितना पेट्रोल और फिल करवा सकते हैं। जैसे मैं आपसे बोल दूँ ये मेरे पास ग्लास है, ठीक, इसमें मैं इतना पानी भर सकती हूँ, ठीक। अभी मैंने इसी ग्लास में इतना पानी भर दिया तो मैं कितना और भर सकती हूँ, अभी और भर सकती हूँ ना इसको इतना, तो ये मैंने कैसे निकाला, इसमें से इसको कर दिया सब्ट्रैक्ट। तो आप लोग क्या करोगे, 75 लीटर में से 37 लीटर 250 मिलीलीटर को कर दोगे सब्ट्रैक्ट। अब इसे कैसे सॉल्व करोगे, देखो लिखोगे क्या, अ कार ऑफ टैंक कैन होल्ड 75 लीटर ऑफ पेट्रोल, ठीक। द ओनर ऑफ कार फिल 37 लीटर 250 मिलीलीटर। सो मोर पेट्रोल कैन द टैंक होल्ड, फिर लिखोगे आप लोग 75 लीटर माइनस 37 लीटर 250 मिलीलीटर, और इसमें से इसको कर देंगे आप लोग सब्ट्रैक्ट, ठीक। मैं बस यही चेक करूंगी आप लोग का कि किस किस का ऐड ठीक है और किस किस का सब्ट्रैक्ट रॉन्ग है, क्योंकि मैं बहुत सारे सब्ट्रैक्ट और एडिशन सिखा चुकी हूँ आपको, है ना, तो आप सबको अब आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया कंप्लीट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारा कंप्लीट, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। देखिए क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अ वायर मर्चेंट बॉट 600 मीटर ऑफ वायर। एक वायर मर्चेंट है जिन्होंने 600 मीटर वायर खरीदा है, ठीक। ही सोल्ड 55 मीटर 65 सेंटीमीटर टू वन कस्टमर। उन्होंने एक कस्टमर को 55 मीटर 65 सेंटीमीटर वायर बेच दिया, ठीक, एंड 147 मीटर एंड 76 सेंटीमीटर टू अनदर कस्टमर। और दूसरे कस्टमर को कितना सोल्ड कर दिया, 147 मीटर एंड 76 सेंटीमीटर टू अनदर कस्टमर। देखिए एक वायर मर्चेंट है जिन्होंने 600 मीटर वायर खरीदा है, उन्होंने एक कस्टमर को इतना वायर दे दिया, कितना 55 मीटर 65 सेंटीमीटर, और दूसरे कस्टमर को उन्होंने दे दिया 147 मीटर एंड 76 सेंटीमीटर। तो फाइंड द लेंथ ऑफ वायर लेफ्ट हिम। जैसे देखिए क्या बोल रहे हैं, उन्होंने इतना वायर खरीदा और उसमें से इतना और इतना बेच दिया, तो अब उनके पास कितना बचा, तो आप लोग इसको कैसे करोगे, देखिए मैं करके दिखाती हूँ आपको। देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, अ वायर मर्चेंट वॉट वायर 600 मीटर। एक वायर मर्चेंट है जिन्होंने इतना वायर खरीदा है, ठीक। ही सोल्ड वन कस्टमर 55 मीटर 65 सेंटीमीटर। उन्होंने एक ग्राहक को इतना वायर बेच दिया, and he sold another customer 147 meter and 76 centimeter, और दूसरे कस्टमर को उन्होंने इतना वायर बेच दिया। तो देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि उन्होंने कितना वायर सोल्ड कर दिया, उन्होंने कितना वायर सोल्ड कर दिया, द टोटल वायर ऑफ सोल्ड। तो हम पहले इन दोनों को करेंगे ऐड,
तो 147 मीटर एंड 76 सेंटीमीटर प्लस 55 मीटर एंड 65 सेंटीमीटर, करिए इनको ऐड। तो पहले यूनिट का यूनिट आ जाएगा, और 6 और 5 कितने होते हैं बोलो, 11, 11 का 1 1 कैरी, 7 और 6 ऐड करो, 7 और 6 ऐड करो कितना होगा 13, और 1 कैरी है 13 और 1 बोलो 14, 14 का 4 1 कैरी, पहले यूनिट आ जाएगी, 7 और 5 को ऐड करो 12 और 1 13, 13 का 3 1 कैरी, ठीक। 4 और 5 कितना होता है 9 और 1 10, 10 का 0 1 कैरी, 1 और 1 2। तो उन्होंने इतना वायर सोल्ड कर दिया, कितना 203 मीटर 41 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे कि हमारे पास था इतना वायर, इतना वायर हमने सोल्ड कर दिया, तो अब हमारे पास कितना बचा लेफ्ट वायर, 600 मीटर माइनस 203 मीटर 41 सेंटीमीटर। अब इसको करेंगे हम सब्ट्रैक्ट, तो पहले 600 बड़ा है, हम उसको लिखेंगे, ये मीटर है तो मीटर के नीचे मीटर वाला लिखो 203 मीटर, ये सेंटीमीटर है ये इधर आ जाएगा, ठीक। समझ आ गया आपको, इतना यहाँ कुछ नहीं है, ज़ीरो लगा दीजिए। अब सब्ट्रैक्शन का साइन बनाइए और लाइन करिए, सेंटीमीटर का सेंटीमीटर, क्या हम ज़ीरो में से वन सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, नहीं, तो हम सिक्स से लेंगे कैरी, सिक्स इसको कैरी देगा ये हो जाएगा टेन, टेन इसको देगा तो ये होगा नाइन, ये होगा टेन, ये वाला टेन इसको कैरी देगा तो ये हो जाएगा नाइन और ये हो जाएगा टेन, और टेन इसको कैरी देगा तो ये हो जाएगा नाइन और ये हो जाएगा टेन, तो फाइव, क्योंकि सिक्स ने इसको कैरी दी तो ये हो गया फाइव नाइन 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 टेन। अब करिए टेन में से वन सब्ट्रैक्ट करिए, कितना बचेगा, टेन में से वन माइनस करो नाइन, यहाँ पर कितना है नाइन, नाइन में से फोर माइनस करो फाइव, यहाँ पर मीटर का मीटर, नाइन में से थ्री माइनस करिए सिक्स, नाइन में से ज़ीरो नाइन, यहाँ पर है फाइव, फाइव में से टू सब्ट्रैक्ट करो, बताओ कितना आंसर बचेगा थ्री। तो देखो अब शॉपकीपर के पास कितना वायर बचेगा, 396 मीटर 59 सेंटीमीटर। आपको मेरी इतनी बात समझ में आ गई अच्छे से, तो बच्चों अब आपको होमवर्क में क्या करना है, आपको होमवर्क में चैप्टर नंबर 11 की एक्सरसाइज 11.8 की क्वेश्चन नंबर 1-4 आपको अपनी होमवर्क नोटबुक पर सॉल्व करनी है, ओके। अब मैं आपको मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।